हाय एवरीबॉडी, ये मेरा शूज सूख गया, इसको पहन लेते हैं। आसमान साला, ये आसमान ना इतना अच्छा लगता है ना, उंगली करता रहता है कि देख साला हम कितना सुंदर है, तो तुम अपना छत पे घूम रही है, कच्चा पसार रही है। कच्चा कोई बुरा चीज थोड़ी है, कच्चा जरूरी चीज है। तुम लोग कभी किसी डरा हुआ ब्लॉगर को ब्लॉगिंग करते हुए देखे हो? आज तुम लोग डरा हुआ ब्लॉगर को ब्लॉगिंग करते देखोगे, जो कि है हम। मोजा पहनना पड़ेगा लग रहा है, सब बोलेगा बिना मोजा के जूता पहन लेती है, बताओ क्या फायदा, फिर तो अंदर जाएगा ही। पहन के मेरा हाइट इतना बढ़ जाता है। आज हमने एक्सरसाइज नहीं की क्योंकि आज नॉर्मल चलने में भी तकलीफ हो रही है। गलती हमारी है, हमने 2 दिन बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिया है, सो अभी नहीं कर सकते। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, गला सूखने के लिए पानी पी लिए, डर जो लगता है उसका क्या करें। तुमको पता है किस बात से डर लग रहा था हमको आज? जैसे अभी हम जा रहे हैं सिटी सेंटर, पटना का जो सेंट्रल मॉल है वहाँ पे, तो मेरी जो फ्रेंड है मेकअप आर्टिस्ट है, उनको कुछ सामान खरीदना है, ठीक है। मेरा एक और फ्रेंड है जो उसको वहाँ पे जाके, वो वहाँ पे वॉक कर रहा है, ठीक है, इट्स लाइक रैंप वॉक जैसा कुछ है, तो वो वहाँ पे रैंप वॉक कर रहा है, तो उसको वहाँ रैंप वॉक करने के लिए जाना है। सब हाँ वीडियो बना रहे हैं, एक्साइटमेंट रहता है। जैसे बच्चा सबको लगता होगा दीदी क्या मस्त चिल लाइफ जी रही है, भाई कोई टेंशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, पर वीडियो बनाती है फ़ोन लेकर के, वाह एकदम चिल लाइफ है भाई, पैसा छाप रही होगी खूब, उजला उजला शर्ट पहन के बाहर जाती है, उजला कपड़ा पहनने वाला तो ऐसा भी अमीर लगता है, क्योंकि कोई मेरे जैसा नौजवान हो तो ज़्यादा पसीना नहीं आ रहा। हमको पसीना आता है तो ग्लो अप होता है, हमको पसीना आता है तो लगता है मुँह धो लिए हैं पानी से। मेरे पैर में अभी इतना दर्द हो रहा है और मैसेज चल रहा है, लग रहा है पैंट में पॉटी कर दिए हैं। चौथी बार बता रहे हैं आप लोगों को मेरे पैर में दर्द है। अरे यार टॉपिक पे तो आ जा, डर इस बात का लग रहा था, मतलब पता नहीं ये बहुत बड़ा हम इसको कर देते हैं या ये है समझ नहीं आता। जैसे अभी हम जा रहे हैं सेंट्रल मॉल, अब पता नहीं हम कुछ खरीदेंगे कि नहीं, कुछ पसंद आ जाएगा तो ले लेंगे, कुछ भारी शॉपिंग नहीं करना, यूँ ही जा रहे हैं क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो हम बैठ के सोच रहे थे कि जाना वर्थ इट है कि नहीं, जाना चाहिए, कुछ वैल्यू होगा, जस्ट बिकॉज दोस्त लोग जा रहे हैं इसलिए जाना चाहिए क्या? अगर हम ऐसा करेंगे तो अपने डिसिप्लिन का तौहीन तो नहीं कर देंगे? बहुत बार अपना डिसिप्लिन तोड़ चुके हैं, तो फिर ये लगता है कि अरे यार नहीं नहीं नहीं, नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो ये जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ये चीज़ हम इतना देर सोच रहे हैं, आज अपने फ्रेंड को फ़ोन कर दिए कि यार देखो ना उधर शॉपिंग चल रहा है, पर हमको कुछ खास शॉपिंग करना नहीं, बट मेरे फ्रेंड्स को करना है, तो क्या हमको जाना चाहिए? पर हम अगर जाएंगे तो हम बाहर जाके कुछ व्लॉग भी बनाएं कि हाँ देखो शॉपिंग एंड ऑल हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, घर पे बैठ के तो बोर ही होते क्योंकि आज से कुछ प्लान नहीं था, तो क्या हमको जाना चाहिए कि नहीं? अब इस चीज़ को लेके हम इतना सोचे हैं वर्थ इट होगा नहीं होगा, वर्थ इट होगा नहीं होगा। अरे मतलब अपने फ्रेंड से भी पूछ ले तो उसने भी बोला कि हाँ अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये अच्छी बात है कि आप वैल्यू कर रहे हो अपने टाइम को। उसने जैसे ही बोला कि आप वैल्यू कर रहे हो, मेरे को ये फील हुआ अच्छा मतलब मेरे को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो हम वैल्यू नहीं कर रहे अपने टाइम को, और वो इतना डीप हो गया कि हमको एकदम एक काइंड ऑफ होता है ना, बहुत सोचने लग गए, बहुत बस यही बात था। अब इस छोटे से बात पर हम इतना सोचे हैं, कुछ सीरियस बात कर रहे होते हैं आसपास वाले, मेरे को आके मुँह ऐसे ताक रहे होते हैं, कहाँ बोल रही हो, भुला जाते हैं यार ऐसे मत किया करो, बच्चा चचा सब लोग टफ लाइफ है भैया, बहुत बड़ा बड़ा काम करके भी वर्थलेस फील होता है, और बहुत छोटा सा काम कर देने के बाद भी फील होता है बहुत प्राउड हो रहा है हम ऐसा। और बींग अ ब्लॉगर, भाई कौन आ रहा है आगे से, फोन अंदर रखो। बींग अ ब्लॉगर या फिर बींग अ कॉन्टेंट क्रिएटर, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हम तुम लोग को कुछ चीज़ दिखाएं, ऐसा अंदर से फील आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर ये फील आता है कि दिखाना क्यों है भाई, जैसा लाइफ चल रहा है वो दिखाओ, व्लॉगर हो भैया, वाई टू फेक थिंग्स। बट ऐसा होता है, हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि तुम रैंडम चीज़ें ही दिखाओ कभी, क्योंकि तुम खुद से भी प्लान करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ रैंडम होता नहीं है, और हमेशा ही प्लान चीज़ें नहीं होती है, कभी कभी रैंडम चीज़ें भी दिख जाती हैं, सो इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। हमको पता है कि हर दिन एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा, हम हर रोज़ अपने ब्लॉग में 4 चांद नहीं लगा सकते हैं, दैट्स हाउ लाइफ इज़, है ना। हाउ फार कैन आई फेक थिंग्स, आई एम नॉट फेकिंग एट ऑल, आई एम जस्ट टॉकिंग, समझ रहे हो ना, कि हम क्या रोज़ रोज़ चीज़ें स्पेशल थोड़ी होती हैं, हो जाता है चीज़ें रैंडम होती हैं, इट्स ओके। तो आज हम खुद से बस यही बोले,
यार हम फोन ऊपर करके ब्लॉग नहीं बना रहे क्योंकि यहाँ फोन निकालना सेफ है, बहुत रिस्क ले रहे हैं हम अभी, सेफ नहीं है। हमको एक सैंडल की जरूरत है, वहाँ 50% ऑफ चल रहा है, तो अगर हमको सैंडल मिलता है तो हम सैंडल ले लेंगे। प्लस सिंस हम अपने मेकअप आर्टिस्ट के पास जा रहे हैं तो वो मेरा आईब्रो भी बना देगी और तुमको मिलवाएंगे हम अपने मेकअप आर्टिस्ट से, ठीक है? इधर देख के बोलो, बोल हेलो हेलो। बहुत गर्मी लग रहा है यार, जैसे हम इसको रिकॉर्ड करते रहते हैं, काश हमको भी कोई रिकॉर्ड करता है यार। गाइस अभी हम लोग ना इवेंट में आए हुए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ऐसे कौन सा जगह है जहाँ जाते इंग्लिश में और आते हिंदी में, और आंसर था गोवा। मतलब पहला जगह सोच लेते ना, गोवा जाने का मन सबको करता है तो आंसर मिल जाता इंग्लिश में गो, हिंदी में आ। बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन था, पर पता है इधर ना थोड़े टाइम पहले एक शायरी चल रहा था, पूरा शायरी, इस बार आना तो कुछ इस कदर आना, कुछ वक्त लेते आना, तो हम कुछ अपने शायरी बना दिए, इस बार आना तो गाड़ी में पेट्रोल डलवा के आना। और अगर बाई चांस कट जाए कभी चलान हमारा तो पॉकेट में 6000 पैसा, पेटी में खस के आना, पूरा सारी खराब कर दिया। शायरी में बाबा बोला जा रहा है, हट हट बोलवा रही है, आना तो गाड़ी में पेट्रोल भरवा के आना, पीठ पे हेलमेट कस के आना, और बाई चांस अगर कट जाए अगर चलान हमारा तो 6000 रुपया पेटी में कस के आना। भाई अगर ये सारी हम स्टेज पे बोल देते ना, ऑन द स्पॉट बना देते, ठीक है, मजा आ जाता, लड़का लोग तो खुश हो जाता भाई। इतना सोच रहे थे वर्थ इट है नहीं है, भाड़ में जाए, मेरे को मजा आ रहा है यहाँ पे, इतना इतना गंदा प्यास लगा हुआ, इतना गंदा प्यास लगा हुआ, अगर कोई पानी पी रहा होगा ना हम उसको ऐसे देखेंगे ना तो दे देगा भाई तू पी ले। ये भी रैंप वॉक कर रहा था स्टेज पे, पूरे हॉल में हम ही हुडिंग कर रहे थे, जो आवाज था ना वो मेरा था। तो गर्ल्स भी चलेगी क्या? आप झूठ बोलती हैं? नहीं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? हमारा नाम है रजुआ। क्या आप भी झूठ बोलती हैं? कभी कभी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कभी कभी ना, कभी कभी ना झूठ बोलना चाहिए। देखो इसके अंदर कुछ है? नहीं। पेपर को डाल दीजिए। आपने क्या डाला? पेपर। आप देख के बताएंगे? पैसे हैं इसमें। कितना? हाउ मच? 20 रुपए का नोट। ठीक से देखिए। ओ सॉरी, 500 का नोट। पक्का? हाँ पक्का, पेपर का टुकड़ा ही। आप ठीक से देखिए। कभी कभी झूठ बोलती हूँ पर अभी नहीं बोल रही, 500 का नोट है इसमें। आप सच बोल रही हैं? हाँ सच बोल रही हूँ। अभी दीदी ने दीदी मस्कारा खरीद रही है, सो उन्होंने मस्कारा ट्राई किया मेरे पे, हम नहीं होते तो इस पर ट्राई होता। व्लॉग में आओगे? व्लॉग में? हाँ। आ जाएगा, मुंह टूटने लगा है। हाय बोल, आ रहे तुम बहुत हैंडसम हो गए। क्या बोला? हाय बोलो। दूर को एक सेकंड। हाय क्या बोल रहे हैं? हेलो। हेलो क्या रजुआ फैंस? नहीं, रजुआ की फैमिली को हाय बोल दो फ्रॉम सागर। बस बोलो हाय। अच्छा प्ले रजवा की फैमिली को हाय। ये लोग बोल रहा है कि हम हाय नहीं लेंगे आपका। हाय नहीं, एच आई वाला हाय। हाय हाय वाला हाय नहीं। हाय वाला हाय नहीं, हाय।
गाइज मेरा बैटरी कभी भी ऑफ हो जाएगा तो ब्लॉग कभी भी एंड हो जाएगा, ठीक है? आज का दिन अच्छा था, प्यारा था, तो अगर अभी ब्लॉग एंड हो जाएगा तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, तुम लोग मेरा इंस्पिरेशन हो, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है? वीडियो को शेयर करना पक्का, ओके? चलो बाय बाय।